और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां से लूट की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो किसी को भी परेशान कर सकती है। 8 मार्च को जब पूरे देश में विमेंस डे मनाया जा रहा था, ठीक उसी दिन दिल्ली में एक महिला को सरेआम सड़क पर घसीटा जा रहा था और महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग सड़क किनारे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तस्वीरें दिल्ली के जनकपुरी इलाके की हैं। सड़क पर खड़ी महिला फोन पर किसी से बात कर रही थी, जब सामने से दो बाइक सवार उसकी तरफ बढ़े और महिला के हाथ में लटका हुआ पर्स छीनकर भागने लगे। इस दौरान बदमाशों ने पर्स के साथ महिला को कई फीट तक घसीटा। देखिए कैसे बाइक सवार बदमाश लूट का विरोध कर रही महिला को सड़क पर घसीट रहे हैं। इस दौरान एक साइकिल सवार भी वहां से गुजरा, लेकिन उसने ना तो बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की और ना ही महिला की मदद की। घटना दिन दहाड़े पुलिस बूथ के सामने घटी। वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि आसपास खड़े लोगों ने महिला की कोई मदद नहीं की और खड़े होकर तमाशा देखते रहे। पुलिस में दर्ज शिकायत में पर्स छीनने का मामला दर्ज हुआ है, लेकिन महिला को कितनी चोटें आई हैं इसका कोई जिक्र नहीं। हालांकि लुटेरों की फिलहाल कोई पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि दोनों ने हेलमेट पहन रखे थे। अफसोस की बात यह भी है कि घटना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुई और ये महिला विमेंस डे के एक प्रोग्राम में ही शामिल होने पहुंची थी। महिला की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।